तो ठीक है, मैं आज आपको बताऊंगा कि कैसे आप लोगों को इस्तेमाल करना है सॉल्यूशन 42 ऐप को, जिसका नाम हमने कर दिया है 42 सॉल्यूशन। अभी ऐप कैसे इस्तेमाल की जाती है, उससे पहले उसके लिए आपको जिस चीज़ की जरूरत पड़ती है वो होता है यूनिटी आईडी। बहुत से लोगों ने मुझसे पूछा है कि भाई ये यूनिटी आईडी कहाँ से ले, ठीक है, तो उसके ऊपर मैं आपको कंप्लीट वीडियो देने वाला हूँ कि कैसे आप ये यूनिटी आईडी बनाएंगे। और साइड में मेरा नया फ़ोन आपको देखने को मिल रहा होगा जो कि MIUI 14 पर वर्क कर रहा है लेटेस्ट वर्जन पर, और इसमें भी वो ऐप चलेगा। तो यहाँ पर मैं आपको जल्दी से इसको ओपन करके दिखा देता हूँ। और सॉल्यूशन 42 ग्रुप में हम जाते हैं, यहाँ पर हमें ये ऐप देखने के लिए मिलता है, ठीक है। कंप्लीट सिक्योर ऐप है, सेफ ऐप है, आप इसे इंस्टॉल कर सकते हैं और इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। सो यहाँ पर इस एप्लीकेशन का हम रेगुलर अपडेट देते रहते हैं, इसके बारे में कंप्लीट डिटेल मैंने ऑलरेडी आपको दे रखी है, ठीक है। अर्निंग की इन्फॉर्मेशन दे रखी है और उसके बारे में गाइड भी आपको यहाँ पर हम करते रहते हैं। तो यहाँ पर मैं अब आपको बताने वाला हूँ कि ये यूनिटी का अकाउंट कैसे क्रिएट करना होता है, क्योंकि जब आप इस ऐप को डाउनलोड करते हैं, मैंने डाउनलोड बटन पर क्लिक किया, अभी हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड हो रही है, आप देख सकते हैं यहाँ पर गोल गोल घूम रहा है, ठीक है। तो जैसे ही ये डाउनलोड हो जाएगी, वैसे ही हम इसको स्क्रॉल करके आप लोगों के सामने दिखाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसको कर देता हूँ फटाफट से, ये देखो हो गया डाउनलोड। अब इस पर मैं क्लिक करूँगा और इसको पहले परमिशन दे दूँगा अपने टेलीग्राम को। तो यहाँ पर ये कहता है कि आप इसको जो है परमिशन दे रहे हैं टेलीग्राम एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के लिए, तो आप अपने हिसाब से एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिएगा। तो मैंने ओके पे क्लिक कर दिया, ठीक है। ये वार्निंग देता ही है, आप सभी को पता है कि आजकल सिक्योरिटी का कुछ ज़्यादा ही जमाना चल रहा है, पर फिर भी सिक्योरिटी किसी काम की नहीं है। तो यहाँ पर मैं इस पर क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पर आ जाती है हमारी 42 सॉल्यूशन एप्लीकेशन। ये एक अर्निंग एप्लीकेशन है जिसपे आप यूनिटी के जरिए डॉलर्स में इनकम कर सकते हैं, और इसको मैंने स्क्रॉल कर लिया है, ठीक है। अब ये स्कैन कर रहा है, तो ये कम्प्लीटली सेफ ऐप है, आप इजिली इसको यूज़ कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। तो यहाँ पर ऑलरेडी इसे काफ़ी सारे लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। तो जब आप इसे ओपन करते हैं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लिखा आता है, सॉरी योर कंट्री मोनेटाइजेशन इज टू लो, यू हैव टू यूज़ VPN इफ़ यू वॉन्ट टू यूज़ दिस एप्लीकेशन। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि आपको VPN का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो मैंने प्ले स्टोर से टर्बो VPN का डाउनलोड किया हुआ है, बट मैं आपको बता दूँ कि ये टर्बो VPN बेकार है, ठीक है। मैंने इसलिए डाउनलोड किया है क्योंकि ये जल्दी खुल जाता है और इसमें मैं जो है जल्दी से काम कर पाता हूँ, बट इसका जो नेटवर्क है, सर्वर है, वो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए ये बेकार VPN हो जाता है, क्योंकि हमें एक सिक्योर VPN चाहिए होता है। पर अभी फ़िलहाल के लिए हमें काम चलाओ करना है, तो मैं इसे कनेक्ट कर लेता हूँ। देखो कितनी जल्दी कनेक्ट हो गया, बट बिल्कुल रद्दी है, केवल काम चलाओ के लिए हिसाब से ये ठीक है। तो 42 सॉल्यूशन ये जो आपको देखने को मिल रही है एप्लीकेशन, जब आप इसे ओपन करते हैं तो यहाँ पर आप साइनअप पे जाते हैं, तो यहाँ पर आपसे नाम मांगता है, ईमेल आईडी मांगता है, ठीक है, आपका फ़ोन नंबर मांगता है, पासवर्ड मांगता है और यूनिटी गेम आईडी मांगता है। तो यूनिटी गेम आईडी क्या है, ठीक है, अब इसके बारे में हम जान लेते हैं। तो आपको जाना होता है गाइज गूगल पर, आपको गूगल पर जाने के बाद लिखना होता है यूनिटी, ठीक है, आईडी, इस तरीके से आप लिख सकते हैं। सबसे पहला पेज जो आपके सामने आएगा आपको उस पर क्लिक करना है। जब आप उस पर क्लिक कर देते हैं तो आपके सामने ये वाला पेज ओपन होकर आ जाता है, ठीक है। अब अगर आपने अपने ब्राउजर के अंदर अपना गूगल का अकाउंट लॉगिन कर रखा है तो आप इस पे गूगल वाले आइकन पे क्लिक करके साइन इन टू गूगल कर सकते हैं, जैसे मैं अभी करूंगा। यहाँ पे मैंने क्लिक किया तो अब ये कह रहा है कि आप मिस्टर बूस्टर जो है अकाउंट से अपना अकाउंट क्रिएट करना चाहते हैं, मैं कहूँगा हाँ, तो मैंने इसको क्लिक कर दिया। अब क्लिक करने के बाद ये कह रहा है कि आप इसको इससे लिंक करना चाहते हैं, मैं हाँ इसी से लिंक करना चाहता हूँ मैं इसको, तो मैंने इसको कर दिया कंटिन्यू, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे पास इसकी मेल भी आ जाएगी थोड़ी देर में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऑटोमेटिक जो मेरा अकाउंट है वो क्रिएट हो चुका है इंडिया की लोकेशन पर, और ये वगैरह इस इन्फॉर्मेशन वगैरह इसकी आ चुकी है। मुझे जाना है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट पे, मैं इस पर क्लिक करूँगा। जब मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर इस तरीके से एक और पेज ओपन होकर आता है, ये काम अपने मोबाइल में भी आप कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, साइन इन पर क्लिक करूँगा। तो जैसे ही मैंने साइन इन पे क्लिक किया तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है, ये कह रहा है कि आप हमारी टर्म एंड कंडीशन को और हमारे अपडेट को रीड कर लीजिए। हमने रीड कर लिया और एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है। वैसे हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है, बट फिर भी एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये हमारा जो अकाउंट है वो सेटअप कर देगा, और सेटअप करते ही हमारे सामने इस तरीके से एक पेज ओपन होकर आएगा, ठीक इस तरीके से, ओके। अभी हमें गाइड दे रहा है, हमको नेक्स्ट करते चले जाना है, ठीक है, और वही करना है जो मैं आपसे फॉलो करने के लिए कहूँगा। इसी वीडियो में मैं आपकी आज app.txt भी वेरीफाइड करवा दूंगा, जो कि एक सिंपल तरीका है, ज़्यादा इफेक्टिव तो नहीं है, पर काम चलाओ के हिसाब से आपका काम उससे चल जाएगा।
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अब ये कह रहा है कि आपको जो है अपना प्रोजेक्ट बनाना पड़ेगा, आपके पास कोई प्रोजेक्ट नहीं है तो क्रिएट प्रोजेक्ट पे क्लिक करने के लिए कह रहा है। बट हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले जाना है मोनेटाइजेशन सेक्शन में। जी हाँ, ये ही मोनेटाइजेशन सेक्शन पे हमें जाना है। इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये कह रहा है कि वेलकम टू यूनिटी गेम सर्विस, तो यहाँ पर हम क्रिएट प्रोजेक्ट यहाँ पर क्लिक करेंगे। ठीक है, तो गेम सर्विस के सामने मोनेटाइजेशन वाला जो ऑप्शन है, जब हमने इस पर क्लिक किया तो क्रिएट प्रोजेक्ट पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर अपनी एप्लीकेशन का नाम मैं दे देता हूँ 42, ठीक है, सॉल्यूशन, या 42 ऐसे ही लिख देता हूँ, शॉर्ट फॉर्म में हो जाएगा। और इसको आपको नो ही रहने देना है। ठीक है, उसके बाद आप क्रिएट कर देंगे। जब आप इस पर क्रिएट कर देंगे तो थोड़ा सा समय लेगा और लोड होकर ये आपके सामने इस तरीके से खुल जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपके सामने फिर इस तरीके से एक इंटरफेस बन के आ जाएगा। आप चाहे तो यहाँ मोनेटाइजेशन पे क्लिक कर सकते हैं या वापस से आप उसी जगह जाके क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, इस मोनेटाइजेशन वाले ऑप्शन पे जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये कहेगा कि आपका जो है SDK लेटेस्ट वर्जन का 4.61 आ चुका है और ये वाली इन्फॉर्मेशन वो देगा एडमो वगैरह के बारे में। तो यहाँ पर जब हम इस पे क्लिक करेंगे मोनेटाइजेशन सेक्शन पे, तो यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा गेट स्टार्ट, इस पे मैं क्लिक करूँगा तो ये कह रहा है कि आई ओनली प्लान टू यूज़ यूनिटी। ये कह रहा है कि आपको यूनिटी ही यूज़ करना है या कोई और भी प्लेटफॉर्म यूज़ करना है, तो हमें केवल यूनिटी ही यूज़ करना है। तो मैं इस पे नेक्स्ट कर दूंगा। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कह रहा है डू यू वांट टू यूज़ ऐड सेटिंग्स। तो मैंने अभी इस पे कोई अकाउंट मतलब अकाउंट ही मैंने अभी अभी बनाया है, तो इससे पहले मैंने कोई प्रोजेक्ट नहीं बनाया हुआ, तो यहाँ पर मैं करूँगा नो, आई वांट टू फ्रेश यूज़। ठीक है, तो इसके लिए बिल्कुल फ्रेश यूज़ करना होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कह रहा है कि यहाँ पर आप अपनी एप्लीकेशन का लिंक डालिए। अभी आपको यहाँ पर क्या कर देना है, अभी आपको यहाँ पर माई ऐप इज़ नॉट लाइव इन ऐप स्टोर, ठीक है, आप इस पर क्लिक कर सकते हैं और उसके बाद आप ऐड पे क्लिक करेंगे। इस पर हम वापस आएंगे, इसी वीडियो में वापस आएंगे इस टॉपिक पर। तो यहाँ पर आ गई है आपकी गेम आईडी। ठीक है, अभी मैं यहाँ पर अपने अकाउंट पे आता हूँ, मतलब एप्लीकेशन पर, एप्लीकेशन पे जाता हूँ, वहाँ पर लिखता हूँ अपना नाम, ठीक है, अपनी ईमेल आईडी लिख देता हूँ, आ गई ईमेल आईडी, ऑटो फिल कर देते हैं। चलो ईमेल आईडी मैं दूसरी डाल देता हूँ। ठीक है, उसके बाद मैं अपना यहाँ पर फोन नंबर डाल देता हूँ, ये डाल दिया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर मैं पासवर्ड डाल देता हूँ और यहाँ पर आपको अपनी गेम आईडी डालनी होती है 5220630। ठीक है, ये वाली गेम आईडी जिस पे एंड्रॉइड बन रहा है, जिस पे लिखा आ रहा है क्या गूगल प्ले स्टोर, ये वाली आईडी डालनी है। जिस पर एप्पल बना हुआ है वो वाली आईडी आपको इस्तेमाल नहीं करनी है, आपको इस्तेमाल जो आईडी करनी है वो करनी है ये वाली, ये गूगल प्ले स्टोर वाली। ठीक है, इसको आप इस्तेमाल करेंगे और रजिस्टर पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा आ गया रजिस्टर सक्सेसफुली और आपका अकाउंट ओपन हो चुका है। ठीक है, अब आप यहाँ पर देख सकते हैं आपका कंप्लीट अकाउंट आपके सामने आ गया है और यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी दूसरे यूज़र की जो वर्क इन्फॉर्मेशन है वो चल रही है। अभी फ़िलहाल 12 बंदे इस ऐप पे ऑनलाइन हैं जो कि काम कर रहे हैं और हमें क्लिक कर देना है यहाँ पर फिनिश प्रोजेक्ट सेटअप पे। ठीक है, यूनिटी का हमारा ये वाला काम हो चुका है। अब हमें क्या करना है, अब हमें यहाँ पर सेटअप करना है app.txt को। मैं नेक्स्ट कर देता हूँ, डन कर देता हूँ। मैं जाता हूँ यहाँ पर सेटअप्स के अंदर, आप देख सकते हैं ये सेटअप वाला ऑप्शन देखने को मिल रहा है आपको, इस पर क्लिक करना है। सबसे लास्ट में आपको सेटिंग्स का ऑप्शन देखने को मिल रहा है, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी आपकी app.txt। ठीक है, हमें इसको वेरीफाइड करना है तो यहाँ पर इसको मैं क्लियर कर देता हूँ और नीचे कट कर देता हूँ। और इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे शो फुल लिस्ट, तो इस पर क्लिक करता हूँ। ठीक है, तो ये दोनों app.txt हमें वेरीफाइड करनी है। तो वेरीफाइड करने से पहले हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हमें अपनी ऐप आईडी को इसमें लिंक करना पड़ेगा, जिससे हम यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, जो ये मेरी ऐप है मैंने इस पर इसको बाईपास सिस्टम पे वर्क करा रखा है। तो बाईपास सिस्टम पे ये जो वर्क इस पर हो रहा है, ठीक है, वो इस पर कैसे वर्क करेगा वो मैं आपको बताऊँगा। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, केवल ये इसी ऐप पे वर्क करेगा गाइस, अगर आप कहीं और यूज़ करने की सोचेंगे तो वो नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर वो सिस्टम मैंने डाला हुआ है ऐप के अंदर। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, तो यहाँ पर आपको सबसे पहले एक वेबसाइट पे चले जाना है जिसका नाम आप देख सकते हैं फ्री app.ads.txt। आप इस वेबसाइट पे आ जाइएगा,
यहाँ पर आपको अपनी ईमेल आईडी डाल देनी है। मैं यहाँ पर अपनी गूगल की ईमेल आईडी डाल देता हूँ, ये कॉपी कर लिया मैंने, ठीक है। और यहाँ पे आके मैं इसमें अपनी ईमेल आईडी और पासवर्ड वगैरह भर देता हूँ। नाम डाल देता हूँ मैं मिस्टर डॉट इन, डॉट इन का यूज़ नहीं होगा, मिस्टर बूस्टर कर लेते हैं। पासवर्ड डाल देते हैं और रजिस्टर कर देते हैं। रजिस्टर करने के बाद हमारे पास जो है एक तो यूनिटी की मेल आ गई और एक अब इस प्लेटफॉर्म की मेल आ जाएगी, ठीक है। ये कह रहा है कि आपका जो है हमने मेल भेजी आपकी मेल आईडी पर, तो चेक कीजिए, देखो इसी नाम से हमारे पास मेल आ गई, ठीक है। अब इस मेल पे मैं क्लिक करूंगा और इसको कर दूंगा वेरीफाइड। तो जैसे ही मैं इसे वेरीफाइड करूंगा, ये एप्लीकेशन का लिंक मांगेगा। तो आपको क्या करना है, अब आपको यहाँ पर आना है गूगल पर और सर्च करना है हाय ब्राउज़र ऐप, लिख सकते हैं आप, ठीक है। तो यहाँ पर आपके सामने ये वाली ऐप आ जाएगी, हाय ब्राउज़र। आपको इस पर क्लिक करना है और जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये वाला लिंक आपको कॉपी कर लेना है। मैं क्या करता हूँ, सिंपल सा इसे यहाँ से डिलीट कर देता हूँ और ये लिंक हमें चाहिए, देखो हाई ब्राउज़र तक रहना चाहिए, ठीक है, यहाँ तक ये वाला लिंक आपको कॉपी कर लेना है। और ये लिंक आपको कॉपी करने के बाद जो ये यहाँ पर मांग रहा है मार्केट प्लेस में, इसमें डाल देना है, ठीक है। उसके बाद आपको नेक्स्ट कर देना है। अब जैसे ही आप इसको नेक्स्ट कर देते हैं तो उसके बाद यहाँ पर आपको देखने को मिलता है किधर गया, आपको अपनी app.txt पे जाना होगा। जब आप app.txt पे जाते हैं, ठीक है, यहाँ पर, तो ये आपको कॉपी करना है और ये आपको इसके अंदर पेस्ट कर देना है, ठीक है। फिर एंटर दबाना है इस तरीके से और फिर आपको अपनी नीचे वाली app.txt को कॉपी करना है और फिर यहाँ पर जाकर इसमें पेस्ट कर देना है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपको एक app.txt मिल जाएगी, आप इसे कॉपी कर सकते हैं। उसके बाद फिनिश पे क्लिक करेंगे, ठीक है। और ये वाली जो हमें लिंक मिली है इसको हम कॉपी करेंगे और जाके अपने यूनिटी के अकाउंट में यहाँ पे वेबसाइट वाले ऑप्शन में पेस्ट कर देंगे इस तरीके से, ठीक है। अब हम अपने पेज को रिफ्रेश करेंगे इस तरीके से। अरे भैया रुक जा यार, कितने मैसेज करेगा दोस्त। तो यहाँ पर हमने पेस्ट किया, आप देख सकते हैं हमारी app.txt वेरीफाइड हो गई है। अब क्या होगा, जब हम इस लिंक को ओपन करेंगे तो ये कहेगा कि 48 आवर्स में आपका ये वेरीफाइड हो जाएगा। ये काम चलाऊ तरीका हो जाएगा जिससे कि आपकी app.txt जो है वो वेरीफाइड हो जाएगी, ठीक है। अब ये जो गेम आईडी आपने बनाई है अपनी, एड यूनिट आईडी पे क्लिक करेंगे, ये एंड्रॉइड गेम आईडी आपको चाहिए होती है क्योंकि ये जो ऐप है जिसका हम इस्तेमाल कर रहे हैं ये वाली ऐप, ये एंड्रॉइड में चलती है, ठीक है। तो हमें एंड्रॉइड गेम आईडी चाहिए होती है। अगर आप यहाँ पर देखें तो 630 लिखा है लास्ट में, ठीक है। ये हमारी गेम आईडी कहाँ लिखी है, ये हमारी गेम आईडी लिखी है यहाँ पर, आप देख सकते हैं कहाँ, ये री, ठीक है। आप देखो गेम आईडी में लिखा है 5220630, ठीक है, यहाँ पर भी वही लिखा है। तो ये गेम आईडी का मतलब हो गया ये हमारी गेम आईडी है। और लाइव आईडी में जो लिखा है वो दूसरे की गेम आईडी है जिसने इसमें पहले टास्क कंप्लीट किया। अब जब हम टुडे टास्क पे क्लिक करेंगे तो जो ये आईडी लगी हुई है ना लाइव आईडी में, इसी के ऐड इस ऐप में शो होंगे। तो मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर देखो ये कह रहा है कि आपको एक्सेप्ट करना है यूनिटी का पॉलिसी को, एक्सेप्ट कर लेते हैं और आपके जो है यहाँ पर ऐड आने स्टार्ट हो जाते हैं। अब ये जो ऐड आ रहे हैं ना गाइस, ये दूसरे बंदे के आ रहे हैं, ठीक है, ये दूसरे बंदे के ऐड आ रहे हैं। जब आप अपने पॉइंट्स अर्न कर लेंगे तब आप अपनी आईडी भी सबमिट कर पाएंगे, ठीक है। तो ये एक टीम अर्निंग बेस पर काम करती है एप्लीकेशन कंप्लीट। इसके रेगुलर अपडेट आपको मेरे ग्रुप में मिलते रहते हैं और ये भाई मुझे चैन से वीडियो नहीं बनाने देगा, तो यहाँ पर इसलिए मैं नोटिफिकेशन वगैरह सब बंद रखता हूँ। बट मैंने ये अभी नया फ़ोन में डाला है तो इसलिए यहाँ पर ये इस तरीके से दिखा रहा है। तो मैं इसको कट कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आप जिस आईडी पर काम कर रहे थे उसकी लाइव आईडी स्पेंड सीमा 3 पूरी हो चुकी है। यहाँ पर अगर आप देखें तो जब आपके सामने ये ऑप्शन आ जाता है तो इसका मतलब है कि जिसकी गेम आईडी लगी हुई थी ऐप में उसका जो है लिमिट लाइव स्पेंड खत्म हो चुका है। देखो 3 के पास आ चुका है, तो 3 के पास आ चुका है तो यहाँ पर भी लिखा हुआ है। तो आप क्या करेंगे, वेट पर क्लिक करेंगे, ओके वेट पे क्लिक करेंगे, उसके बाद बैक पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर उसकी लाइव स्पेंड खत्म हो चुकी है। और अगर आपके पास बैलेंस है 2100 का तो आप इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर सबमिट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर सबमिट करने पर आप पढ़ सकते हैं ये क्या कह रहा है, ठीक है। इसके लिए आपको 1 टाइम एक शुल्क देना पड़ता है क्योंकि ये ऐप गूगल के सर्वर पर वर्क करती है,
तो गूगल क्लाउड सर्वर पे ये काम करती है। उसके लिए आपको 15999 एक छोटा सा अमाउंट देना पड़ता है, उसके बाद आप इस ऐप को अनलिमिटेड इस्तेमाल कर सकते हैं हमारे टीम मेंबर्स के साथ और जितने भी लोग इस ऐप पे काम कर रहे हैं उनके साथ। इसको खरीदने के लिए आप अभी खरीदे पे क्लिक करेंगे और सीधा आप मेरे पास आ जाएंगे, ठीक है, टेलीग्राम पर। इस जगह मुझसे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और यहीं से आप इस ऐप को डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो ये कंप्लीट वीडियो मैंने आपको बता दी है, इसकी वर्क इन्फॉर्मेशन मैंने ऑलरेडी इस ग्रुप के अंदर डाल रखी है वीडियो के रूप में, आप इस वीडियो को देख लीजिएगा या इसके ऊपर मैं एक और स्पेशल वीडियो बना दूंगा क्योंकि काफ़ी बड़ी वीडियो हो जाएगी नहीं तो। तो थैंक यू सो मच एंड लव यू गाइस। वर्क करने का तरीका मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, तब तक के लिए बाय। अगर आपको वर्क करने का तरीका जानना है तो मुझे नीचे कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं उस कमेंट को देखकर फिर एक नई वीडियो बनाऊंगा जो कि स्पेशल इस ऐप के ऊपर ही होगी, 42 सॉल्यूशन APK। थैंक यू सो मच एंड लव यू एंड बाय।